कैसे हो आप लोग, फिर से और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं एक खतरनाक ब्रिज, बहुत पुराना ब्रिज, इस पत्थर से वो ब्रिज हुई थी, तो इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला है। तो गैस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गैस वीडियो शुरू करने से पहले अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमको पता है आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो गैस सब्सक्राइब कर लेना जरूर, मुझे फायदा होने वाला है और वीडियो को लाइक करना देखने के बाद। तो गैस चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं वो खतरनाक ब्रिज के पास जो नागरीपादा और कुल्हिया के बीच में है। बहुत डेंजरस ब्रिज है भाई, देखने जैसा ब्रिज है, एक्चुअली देखने जैसा ब्रिज नहीं है, बहुत डेंजर ब्रिज है। इस ब्रिज को अगर हम कभी भी ब्रिज गिर सकता है ऐसा ही लगता है हर दिन। एक्चुअली इधर इस ब्रिज से जाने में बहुत डर लगता है और इस ब्रिज में बहुत छोटे छोटे स्कूल का स्टूडेंट भी जाता है। तो गाइस कैसा लगता हुआ उन लोगों को, एक्चुअली हम बड़े हुए हो गए फिर भी हमको डर लगता है, तो छोटा स्टूडेंट का क्या हो रहा है। तो गाइस गाइस हम अभी ब्रिज में ब्रिज को दिखाने वाले हैं, तो हम थोड़ा ब्रिज को दिखाने के लिए हमको थोड़ा इधर जाना पड़ेगा। तो गाइस चलो मेरे साथ है ये राजा और M2। तो गाइस हम आगे बढ़ रहे, इतना सुनिर्मल परिवेश में इतना खतरनाक ब्रिज रहता हुआ कभी ठीक नहीं लग रहा है। देख सकते हो कितना खतरनाक ब्रिज है गाइस। और अभी भी दुर्गा पूजा चली आई, यहाँ काश फूल फूट गया, अभी दुर्गा पूजा का मौसम है। तो गाइस हम अभी इस खाल में जाने वाले हैं। एक्चुअली आप गांव का ये सब ये नेचुरल प्लेस बहुत अच्छा लगता है, इधर आज आप घूमने आओगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ गाइस। इस पत्थर से वो ब्रिज हुई थी, आप यकीन कर सकते हो। एक्चुअली में ये जो गोल पत्थर है ऐसा और एक पत्थर था, एक्चुअली में वो जो जांती कहता है ना बंगाली में, तो पत्थर को एक साथ रख के वहाँ पर ये जो मिडिल में जो एम्प्टी प्लेस है ना, इधर क्या क्या डालता है हमको नहीं पता। एक्चुअली में बहुत पुराना समय में कहा जाता है कि उधर कुछ डालते हैं और दोनों पत्थर के भैंस के द्वारा घुमाना पड़ता है, घुमाने से एक्चुअली वहाँ से सीमेंट निकलता है, उस सीमेंट से ये ब्रिज हुआ है। तो गाइस ये पत्थर भी बहुत पुराना है, जब ये जो बिरला सीमेंट है सीमेंट नहीं आया था तो इस पत्थर से सीमेंट हुई थी, आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन ये सच है। एक्चुअली मैं गाइस ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज का इस साइड कुल्हिया से आता है, इस रोड कुल्हिया से आता है और इधर नागरीपादा का रोड है। एक्चुअली कुल्हिया और नागरीपादा का बीच में ये ब्रिज है। एक्चुअली ब्रिज का पास जाकर आपको डिटेल ही दिखाते हैं इस ब्रिज का हालत क्या हुए। एक्चुअली उस मिडिल में और एक पिलर रहता था, उस पिलर एक्चुअली में एक बारिश का वजह से वो गिर चुकी है उस पिलर में। वो एक्चुअली पहले वो मिडिल का पिलर ही ब्रिज को उठा कर रखा था, लेकिन अभी वो गिर चुकी है, अभी दो पिलर जो है ना अभी सेट हो गया है, ऐसा लगता है कोई एंगल का जैसा सेट हो चुकी है, इसलिए ब्रिज अभी नहीं गिर रहा है। लेकिन बहुत डरने का बात है, देख पा रहे हो साइकिल वाला भी यहाँ से कैसे जा रहे हैं। और आप देख सकते हो इधर
एक्चुअली में बड़ा गाड़ी अगर नहीं निकलेगा इसलिए इधर बेड़ा दे रखा है, उधर भी सामने उधर भी एक बेड़ा है, अगर बड़ा गाड़ी आएगा तो कुछ दुर्घटना घट सकता है इसलिए। और इधर से हम आपको दिखाएंगे ब्रिज का नज़ारा, और देख सकते हो यहाँ से ब्रिज का नज़ारा क्या है। एक्चुअली इधर वो जो ये रोड वाला था ना, वो अभी था जब हम गाना शूटिंग करी थी, अभी वो भी ख़त्म हो चुकी है, टूट पड़ी। मस्त नज़ारे के साथ इधर देख पा रहे हो कितने खतरनाक ब्रिज, और ब्रिज में छोटे छोटे स्टूडेंट जाते हुए हम नज़र आ रहे हैं, और इधर से टीचर्स भी जा रहे हैं। तो गाइस इस ब्रिज को बारे में आपका क्या राय है, ये ब्रिज कितना डेंजर हो सकते हैं? तो गाइस इतना शेयर करो जो आगे तक पहुंच सके और इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। कि ये पोल डे जाते बजाय डॉल लग से तरह तरह कथा जावे नागरी पता के छिले कुलिया जावे हां दुदा झापी नहीं ओहो তাহলে এই পড়লে যেতে বেজায় ডর লাগে কবু চাপি পাইরাও নাই কি মনে হয় এইটা ভাঙি যাবে রে নাকি। তো গাইস দেখ পা রে দাদু যা রে হ্যাঁ দাদু কো বহুত ডর লাগতা হ্যাঁ দাদু ইস ব্রিজ সে কবি ভি সাইকেল চড় কে নাই যাতা হ্যাঁ একচুয়ালি সাইকেল কো ঠেলতে হুয়ে যাতা হ্যাঁ পেদল হি যাতা হ্যাঁ বহুত ডর লাগতা হ্যাঁ দাদু কো ইস ব্রিজ কবি কবি গির যায়েগা তো इसीलिए। तो गाइस ब्रिज का हाल देख सकते हो कैसा है, और इधर बहता हुआ पानी तो मुझे बहुत मस्त लग रहा है, और सामने से आता हुआ पानी भी कैसा लग रहा है गाइस। तो गाइस आप देख पा रहे हो एक साइकिल आ रहा है और दूसरा साइकिल खड़ा है जाने के लिए, एक्चुअली में दोनों साइकिल जाने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो टूट जाएगा तो क्या दादा क्या कहते हो ये तो दादा हंसते हुए जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो गाइस आप तो ब्रिज देख लिया, लेकिन ब्रिज का ये जो साइड का नज़ारा है, ये जो नज़ारा है एक्चुअली ये एक बार ऐसा बारिश हुआ था ये सब डूब गया था, पूरा बन्ना हो चुकी थी। ये जो खजूर का पेड़ है इस पेड़ तक पानी चला गया था। तो गाइस इधर भी पानी बहुत कुछ पता नहीं। तो देख सकते हो ये साइकिल वाला कितना डेंजर से इस ब्रिज को पार करते हुए हार जा रहा है। तो कोथाई जाच्छेन हाटी। तो गाइस ये ब्रिज को पार करते हुए वो हार जा रहा है, बहुत डेंजरस ब्रिज है भाई। तो गाइस देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी आ रहा है इस ब्रिज को पार करते हुए, एक्चुअली में इन लोग अंदर का डर ही खत्म हो चुकी है। गाइस ये ब्रिज अभी गिरने वाला है ऐसा ही लगता है।
एक हुआ तुम्हारे डोर ना कुछ ना नहीं डोर ना गई नहीं तो गए इनको डर नहीं लग रहा है लेकिन दौड़ के जा रहे ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे ये मिलने की ख्वाहिश ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी।